महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर आज जमकर हंगामा हुआ। उद्धव खेमे के विधायक और शिंदे खेमे के विधायक एक दूसरे पर टूट पड़े, मानो जैसे जंग का मैदान ही बन गया हो। महाराष्ट्र विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्षी एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी चल रही थी, जहां विपक्ष सत्ता में शामिल एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के विधायकों को निशाना बनाते हुए उन पर तल्ख टिप्पणियां कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पक्ष ने भी आज विधान भवन की सीढ़ियों पर विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोनों ही तरफ से एक ही समय में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन की वजह से हालात बेकाबू हो गए और नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। हालांकि इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों ही पक्षों को अलग किया। इस दौरान अजीत पवार विपक्ष के विधायकों को समझा बुझा कर वापस सदन में ले गए। किसानों को समय पर मुआवजा ना देने और महंगाई के मुद्दे पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल आज सदन की सीढ़ियों पर गाजर का हार पहने हुए नजर आए। विपक्षी दल से लगातार शिंदे गुट के विधायकों को लेकर 50 खोके लेने का आरोप लगाया जाता रहा है। वही सत्ता पक्ष भी आक्रामक नजर आए। शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले ने कहा कि हर रोज विपक्ष के विधायक हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि आज हमने किया तो ये लोग हमारे सामने आ गए, उन्हें हमारे जाने के बाद विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।